ये वाटर प्रूफ है, ये एप्पल के कोटुडू। अच्छा, एप्पल कोटुडू का ये DDR2 रैम वाला है, DDR2 रैम। ये जो सा है ना, ये कस्टमर को मिल जाएगा 9500 रुपये का, 9500 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम, आज जो है हम ये एक लैपटॉप के गोदाम में मौजूद हैं। यहाँ पे इन खान भाई से बात करेंगे और पूछेंगे कि इनके पास लैपटॉप की कौन कौन सी वैरायटी है और ये क्या यहाँ पे डिस्काउंट कर रहे हैं और किस मुल्क का इनके पास माल यहाँ पे मौजूद है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी कस्टमर भी मौजूद हैं, उनका रिव्यू भी लेंगे। ये इस गोदाम का मंजर है, ये सारे बैठे हैं। अभी हम ये खान साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये इनके गोदाम में लैपटॉप है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम राहत खान है। सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ, क्रोमबुक दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्रोमबुक है HP का, ये क्रोमबुक है, ये 216 के साथ है, ये 216 के साथ है। ये कस्टमर को ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी लोग लेते हैं और ये यूट्यूब गूगल क्रोम सब कुछ लोग जानता भी है, लेकिन ये 8000 रुपये का हम दे देते हैं। इसका बैटरी टाइमिंग कितना? बैटरी टाइमिंग इसका 6 से 7 घंटे इसका बैटरी टाइमिंग होता है, बहुत ही खूबसूरत बैटरी टाइमिंग होता है इसका। और इसकी कंडीशन? इस 10x10 बिल्कुल 10x10. आप चेक कर सकते हैं वहाँ बिल्कुल। और ये किस ब्रांड का? ये तुशीफा ब्रांड है, i5 6th generation। ठीक है, i5 6th generation लैपटॉप है। ये 8GB 256GB के साथ है। 256, ये SSD लगा हुआ है इस वक्त इसके अंदर जी, 256 SSD लगा हुआ है। ये कस्टमर के लिए हम दे देते हैं 38 का 6th generation बिल्कुल 10x10। कोई कमी हो सकती है भाई? मार्केट से तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये कमी होगी। तो ये किस मुल्क का माल है? ये बाहर से आता है, दुबई से आता है माल जी, कंटेनर का माल जी, लाड वाला माल है। तो बहुत खूबसूरत। ऑस्ट्रेलिया, UK वगैरह से भी आए होते हैं भाई? जो दुबई में इम्पोर्ट होते हैं सब समंदर के बजरिया समंदर ऑस्ट्रेलिया और UK से ही आता है जी। ये iPad Air 2 है, इसमें iPad 2 भी है। पहले वीडियो में लोगों ने देखा होगा, इसमें iPad 2 भी है जो 8000 रुपये का है। और ये जो सा है ना, ये iPad Air 2 है। इसका कीमत तकरीबन मार्केट में 23-25 हज़ार रुपये का रेट है, लेकिन यहाँ पे हम इसको 16 हज़ार रुपये का दे देते हैं। मिल जाते हैं भाई, पहले तो ख़राब नहीं थे, इंशाल्लाह जब गिर जाते हैं लोगों से फिर टूट जाते हैं, उसके फिर वारंटी नहीं होते और मिल जाते हैं 1000-1500 रुपये का इसका टच होता है। तो वो आप इसे लगा रहे हैं? कोई बात नहीं, हम ही लगा के देंगे। अच्छा, हमारे पास जी। और आपने बोले सस्ता लैपटॉप दिखाओ, ये सस्ता ये एप्पल का कोटुडू। अच्छा, एप्पल कोटुडू का ये DDR2 रैम वाला है, DDR2 रैम। ये जो सा है ना, ये कस्टमर को मिल जाएगा 9500 रुपये का, 9500 रुपये का। इसका बैटरी लाइफ, इसका बैटरी टाइमिंग 3 से 4 घंटे बैकअप है इसका। 2GB 160GB 2GB 250GB जिस तरफ भी लाड में आता है आप दिखा सकते हो कस्टमर को, जिस तरफ भी लैपटॉप लाड में आते हैं जितना भी लगा होता है वही उसी के साथ ही हम देते हैं जी। और ये DDR3 रैम वाला है। अच्छा, तो 500 रुपये उसको लेस कर देता है, इसमें हमारा इतना प्रॉफिट नहीं होता है, 1800 रुपये ही बचता है। आप बाजार या TCS भी अगर कोई मंगवा सकते हैं तो उसको हम बेच देते हैं। और ये है DDR3 वाला, ये DDR3 वाला एप्पल है, इसमें DDR3 रैम लगा होता है। ये 500 GB के साथ और 4GB के साथ कस्टमर को हम 14500 रुपये का दे देते हैं, ओरिजिनल एप्पल चार्जर के साथ 14500 रुपये में। ये जो अभी लेटेस्ट जनरेशन आई है वो भी आपके पास है पड़े हुए जी? नहीं नहीं नहीं, 2011, 12 और 13 मॉडल पड़े हुए एप्पल का, 11, 12, 13 i5 i7 में। अच्छा, और विंडो में कौन कौन से पड़े हुए? विंडो में जो 8th generation भी पड़े हुए हमारे साथ। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये i5 8th generation है। ठीक है, इसका मॉडल है 7490। ठीक है, तो उनसे ब्रांड के ये डेल कंपनी के, इसकी क्या प्राइस? ये 8th generation है, ये कस्टमर को हम दे देते हैं भाई जान 55 का जी। तो अगर कोई लेना चाहती हो भाई 58 का 8th generation 8GB और 256 SSD के साथ हम दे देते हैं। इसका मार्केट प्राइस और मार्केट में तकरीबन 65,000। 8th generation लोगों को पता लग जाता है कि 8th generation कितने का होनी चाहिए, कितने का है वो मार्केट का पता लग जाता है। इसकी कंडीशन क्या है? बिल्कुल 10x10 भाई।
अच्छा, अगर आपसे लैपटॉप लें तो उसकी आप कितनी वारंटी देते हैं? ये तो अगर लाहौर के अंदर से आते हैं तो 15 दिन का वारंटी देता है, हैंग होने और बैटरी का वारंटी देता है, सड़ने और टूटने का वारंटी नहीं देता है। और अगर आउट ऑफ सिटी से आते हैं तो उसके लिए 1 माह का वारंटी होता है। तो इसका बैटरी बैकअप कितना है? इसका बैटरी बैकअप तकरीबन, इसमें लिथियम बैटरी लगा होता है ना, इसका बैटरी बैकअप जो सा है ना, तकरीबन 3 से 4 घंटे बैटरी आराम से निकाल देते हैं, लेकिन 1 घंटा हम वारंटी देते हैं। अगर 1 लाख का भी हमसे लैपटॉप लेगा तब भी 1 घंटा वारंटी देते हैं। सबसे ज़्यादा महंगी प्राइस का यही लैपटॉप आपके पास है? 8th जनरेशन पड़े हुए, ये एसुस है, i7 7th जनरेशन है, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है, i7 7th जनरेशन। ये कौन सी? एसुस कंपनी। 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक लगा हुआ है इसके अंदर, और i7 7th जनरेशन है, 16 GB और 256 SSD के साथ है। ठीक है जी। ये वो, ये पीछे एक पड़ा हुआ आपके पास, कोई लिनोवो के भी हैं? लोग कहते हैं कि लिनोवो के देखे हैं हमने। X1 कार्बन लिनोवो का i5 5th जनरेशन। अच्छा, ये कितने जी? ये कस्टमर के लिए हम देते हैं 8 GB और 128 या 256 के साथ दे देते हैं 39 का। ये 256 SSD है जी, SSD। तो टच स्क्रीन में नहीं, वो लैपटॉप ख़राब हो जाता है जो रिपेयर होता है, ये रिपेयर नहीं होता, ये लाट का माल आता है डायरेक्ट। ये खुले हुए नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, टच स्क्रीन में, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप जी, टच स्क्रीन में। इसकी कितनी प्राइस बताई है आपने? 39। तो ये लास्ट कितना तक का दे देंगे भाई? ये फाइनल रेट है। फाइनल रेट है जी। और इसकी वारंटी कितनी देंगे? इसके 1 महीने का वारंटी होता है, ये तो लाइफ टाइम वाला चीज़ होता है, तो ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल साफ सुथरा। और ये हार्ड SSD हार्ड के साथ? M2 SSD हार्ड इसमें लगा होता है। क्योंकि ग्राफिक कार्ड कौन सा है? ग्राफिक कार्ड इसमें इंटेल का ग्राफिक कार्ड वाला मशीन है। मैंने आपको अभी एसुस का i7 7th जनरेशन दिखा दिया, ग्राफिक कार्ड को वर्क स्टेशन क्या कहा जाता है, वो अलहदा चीज़ होता है। वो i5 i7 4th जनरेशन जो से है ना, वो 40 से 45 हज़ार रुपये का है। वर्क स्टेशन का इस वक्त मेरे पास 4 पीस पड़े हुए हैं जी। ये मैंने आपको बताया ना, i7 7th जनरेशन है, एसुस का 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक के, इसमें 16 GB और 256 GB के साथ मिल जाएगा 70 हज़ार रुपये का जी। ये HP में AMD A10 8th जनरेशन में, A10 लोग जानते थे, AMD जी कह रहा हूँ, ये इसका नाम ही AMD है, इसका मॉडल जी HP AMD A10। तो इसकी कंडीशन क्या है? बिल्कुल 10x10 कंडीशन में भाई। अभी तक जितने आपने हमें चीज़ें दिखाई हैं जी, उनकी कंडीशन सबकी 10x10 है या? बिल्कुल सबकी 10x10 है भाई, आप खुद कस्टमर को दिखा भी सकते हो। अभी ये तोशिबा i5 2nd जनरेशन है, 4 GB और 128 SSD के साथ है, चेक कर सकते हो ना आप। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कोई वाटरप्रूफ भी है? वाटरप्रूफ लैपटॉप नहीं है भाई। वैसे आते हैं वाटरप्रूफ? आते हैं हाँ, उसमें पैनासोनिक कहा जाता है, पेनासोनिक ये एक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये RM एजुकेशन में आपको एक दिखा सकता हूँ, ये पड़ा हुआ है, ये वाटर प्रूफ है ना, RM एजुकेशन i5 1st जनरेशन है। ये कस्टमर को हम देते हैं 15 हज़ार रुपये का, 4 GB और 250 GB के साथ। तो स्टूडेंट ज़्यादातर अगर आते हैं तो वो क्रोम बुक ज़्यादा लेके जाता है हमसे। अच्छा। क्रोम बुक जी, ये क्रोम बुक है, 4 GB 16 GB के साथ। ये स्टूडेंट्स के लिए? ये स्टूडेंट्स के लिए, इसमें ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, गूगल सब को, ये थे क्रोम बुक। ये स्क्रीन भी रोटेट हो जाती है तो काम तो 360 वो भी पड़े हुए जी, वो भी पड़े हुए। ये 8 हज़ार रुपये का है, ये 360 में। अच्छा, लिनोवो में ये कितने का है? ये 4 GB और 32 GB, इसमें प्ले स्टोर भी है, सब कुछ है जी। तो ये एंड्रॉइड है? ये एंड्रॉइड है, उसके लिए ये भी स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और जो कहते हैं कि हम वो ऑनलाइन क्लास के लिए भी लेने और इसके अंदर मैंने डाटा भी रखने, तो उसके लिए हम फिर लैपटॉप दे देते हैं। लाहौर बड़ा स्टेशन, ठीक है, नौलखा बाज़ार, अब्बासीन सेंटर, 1st फ्लोर 10 नंबर, और नीचे मैंने एक दुकान छोटा बनाए हुए, डिस्प्ले दिया हुआ है, उधर भी मेरा दुकान है, और नंबर मेरा 0323 930 2037। तो अगर कोई आपसे ऑनलाइन वगैरह मंगाए डिलीवरी पे तो आप भी होम डिलीवरी? बिल्कुल, उसको अगर हम अभी ये किसी ने मुझसे ये क्रोम मांगे तो हम अगर उसको सेंड करते हैं तो उसका मैं इंश्योरेंस भी करता हूँ, ताकि उसका वारंटी भी हो इंश्योरेंस, ताकि उधर भी उधर चेक करे वो, जो TCS वाले से लेते हैं तो घर में भी चेक करे,
अगर तू डिलीवरी में जाते हुए डैमेज हो गया ये, बिल्कुल तो आप इंश्योर्ड है आपका, बिल्कुल बिल्कुल कस्टमर को नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान कस्टमर का नहीं होगा। कितने पैसे डिलीवरी के आते हैं यहाँ से अगर कराची से कोई कस्टमर? 1500 रुपये आता है एक लैपटॉप के ऊपर। वालेकुम सलाम भाई, मेरा नाम आसिफ है और मैं लाहौर से ही आया हूँ लैपटॉप परचेज़ करने के लिए। मैंने पहले भाई की वीडियो देखी थी, ये भाई के रेट बहुत मुनासिब हैं मार्केट से, तकरीबन 10 से 15 हज़ार का फ़र्क है और चीज़ भी बिल्कुल अच्छी है। तो आपने यहाँ से कौन सा लैपटॉप पसंद किया? अभी मैंने ये पसंद किया है लेनोवो का, 5th जनरेशन का है, कोर i5 है, X1 कार्बन, ये मुझे पसंद आया, ये मैंने देखा है अभी। तो ये आपको पसंद आ गई है चीज़, कंडीशन वगैरह इसकी? जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मुझे पसंद आ गई है।